नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला पंचायत अयोध्या का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अध्यक्ष रोली सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह व प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 42 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें निर्मित कर जनता जनार्दन को अर्पित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार 4 विशालकाय अमृत सरोवरों का भी निर्माण भी मेरी देखरेख में कराया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रातकालीन भ्रमण के लिए उत्कृष्ट मार्ग भी बनाए गए हैं। मेरी ये भी योजना है कि ग्रामीण जनता जनार्दन में हर एक से दरवाजे पर जिला पंचायत से स्थापित स्ट्रीट लाइट का प्रकाश, अब तक विभिन्न ग्रामों में लगभग 6500 लाइटों की स्थापना कराए जाने में पूरी तरती जा रही है। आप सबको ये भी अवगत कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिला पंचायत न केवल नव निर्माण के लिए संकल्पित है, बल्कि अपनी पूर्व निर्मित सड़कों, परिसंपत्तियों के मरम्मत एवं अनुरक्षण पर भी विशेष जोर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल गड्ढा मुक्त कार्यों के दृष्टिगत रखते हुए मेरे कार्यकाल में अब तक कुल 71 परियोजनाओं से लगभग 42 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का गर्गत कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि इसी प्रकार पूर्व की निर्मित सभी सड़कों का 100% मरम्मत कराए जाने पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। वहीं कहा कि उपलब्ध संसाधनों से जनपद की ग्रामीण जनता के लिए सड़कों, नालों आदि के निर्माण के साथ साथ अमृत नरोपों का निर्माण, हर द्वार पर स्ट्रीट लाइटों का लग जाने का कार्य द्वारा पूरे मनोयोग से अपने अधिकारी और कार्मिकों के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू आदि लोग उपस्थित रहे। मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष जी को, पार्टी पदाधिकारियों को, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने जिला पंचायत सदस्यों को, अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। अपने प्रदेश नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने आज अवसर दिया। आज यहाँ हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो निश्चित ही उनके सहयोग और आशीर्वाद से बैठे हैं। मैं सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित ही आप सबके सामने बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, जिले के विकास से संबंधित सारा डाटा हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। बाकी और कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। एक निश्चित बजट हम लोग के पास होता है, उसका बहुत बड़ा पैमाना नहीं है कि एक साथ पूरे जिले का, सभी ग्राम सभाओं का एक साथ विकास किया जा सके। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं कि लगभग हर ग्राम सभाओं में 5 साल में एक बार हम जरूर पहुंच जाएं, वहां कुछ ना कुछ काम जिला पंचायत से जरूर हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। जो आप कह रहे हैं कि खड़ंजे लगे हैं, फिर भी चलने योग्य हैं, आगे उनको काली करने का, सीसी करने का काम किया जाएगा। बजट की उपलब्धता के अनुसार हम लोग ये काम करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। पूरा प्रयास है कि अयोध्या राम राज्य की तरह सुंदर हो, स्वच्छ हो और उस परिकल्पना को हम लोग साकार कर पाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो। उन्हीं की प्रेरणा से जो हम लोग अभी स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, हमारा प्रयास है आगे आने वाले दिनों में हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइटों को लगाने का काम करेंगे। सोलर लाइटों से ग्रामीण क्षेत्र प्रकाशित होंगे। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, उनकी जो सोच है, सोलर सिटी, अयोध्या सोलर सिटी के रूप डेवलप हो, तो जब ग्रामीण क्षेत्र को के गांव चौराहे सब सोलर लाइटों से जगमगाएंगे तो उनकी जो परिकल्पना है वो पूर्ण होती आपको दिखेगी। स्वाता का यही उद्देश्य था कि आज हमारे सभी प्रदेश के 75 जो अध्यक्ष हैं उनकी सभी के कार्यकाल जो है 2 वर्ष का सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हमारे जिला पंचायत सदस्यों के भी कार्यकाल को आज 2 वर्ष पूर्ण होता है, तो मैं उन सभी को भी आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और आज के इस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। हम
जैसा कि सरकार की भी मंशा रही है, हमारी भी मंशा रही है कि जो भी कार्य हम अपनी जनता को समर्पित कर रहे हैं वो जनता तक पहुँचे, और इसका माध्यम केवल आप सब हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से उन सभी अपने सभी जनता जनार्दन को, इस अयोध्या की सरल जनता को, इन सभी कार्यों को समर्पित करते हुए उनको इस कार्य से अनुबोध और उनको जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ। और अपने इस कार्यकाल के पूर्ण होने की खुशी में मैं सभी को, उनको जो भी कार्य समर्पित किए गए हैं, आज उनका सत्यापन करके उनको समर्पित करना चाहती हूँ। देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर जो है वो निर्मित होने के लिए अग्रसर हो गया है और वो जनवरी में पूर्ण हो जाएगा। रामलला हमारे श्री प्रभु विराजमान हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी यही है कि नगरीय क्षेत्र की तो तैयारियां हो ही रही हैं, उन पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा रहती है, विशेष उनका ध्यान रहता है। और उसी तरह से हम प्रयास करते हैं कि हमारे अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पे भी हम विशेष रूप से ध्यान दें, उसको उसका सौंदर्यकरण करें, उसको सुसज्जित करें और स्वच्छ करें, ताकि आने वाले समय में जो आएंगे यहाँ पे रामलला के दर्शन के लिए, वे अयोध्या का भी दर्शन जरूर करना चाहेंगे। तो मुझे अनुमान है कि वे आएंगे तो वे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का भी अनुकरण करेंगे। तो उनके अनुकरण के लिए मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुंदर, सज्ज और स्वच्छ बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नरत हूँ। और मुझे विश्वास है कि 2024 तक नगरीय क्षेत्र के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइटों के माध्यम से, अमृत सरोवरों के माध्यम से, हमारी जिला पंचायत के द्वारा बनाए गए सड़कों के माध्यम से, नालों निर्माण के माध्यम से, हमारी अयोध्या की ग्रामीण अंचल भी उसी तरह से सुंदर, सुसज्जित और स्वच्छ हो जाएंगे कि जो भी यहाँ आएगा उसे राम राज्य का अनुभव हुए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा।